हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। एक्जैक्टली बात करूंगा आज स्कैल्पिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीक्रेट्स, प्रोज और कॉन्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग को बहुत सिंपल चीज़ समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्कैल्पिंग बहुत आसान प्रोसेस है और स्कैल्पिंग करते करते आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगा। तो स्कैल्पिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। चार्ट्स वार्ट्स हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि वो चीज़ मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बताई है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जो आपको जिसका ख्याल रखना है ट्रेडिंग करते समय, वो बहुत जरूरी है, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कैल्पिंग है क्या। तो स्कैल्पिंग बेसिकली एक प्रोसेस है ट्रेडिंग का, उसको कैसे करते हैं। बेसिकली अगर आप बाय करते हो 100 रुपए पे, आप 104 पे 105 पे निकल जाते हो, और फिर आप 110 पे एक बार बाय करते हो, 112-113 पे निकल जाते हो, या इस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड लेते हो जो कि एंट्री और एग्जिट बहुत जल्दी आप लेते हो, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग का प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको डायरेक्शन में गलत नहीं होना है। क्यों? क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थ्रेट में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग इसमें परेशान है कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करें। तो रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि स्कैल्पिंग में रिस्क रिवॉर्ड 1:1 तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही रेयर है। तो सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस का मतलब समझिए कि स्टॉप लॉस है आपके लॉस को प्रोटेक्ट करने का तरीका, ना कि आपका आरआर को जस्टिफाई करने का तरीका। यहाँ पे स्कैल्पिंग में सबसे पहली चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आज मार्केट गिरने वाला है, तो आपको हर बाउंस पे सेल करना है, ठीक है? तो बाउंस पे सेल करना है, सेल नहीं करते जाना है। वरना क्या होगा कि अगर आपने बाउंस आया, आपने सेल किया, अब उसके बाद आप लगातार सेल करते जा रहे हो। आपने सेल किया 100 पे, मान लीजिए आपने पुट खरीदा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पुट खरीदा आपने किसी चीज़ का, बैंक निफ्टी का 100 रुपीज़ पे, आपने उसको 105 पे सेल कर दिया। अब वो 110 चला गया, आपको लग रहा है यार फिर चेस करता हूँ, लगता है ये लंबा जाने वाला है। आपने फिर चेस किया 110 पे, आप 115 पे फिर निकल गए। अब वो 125 चला गया, आपको लग रहा है अभी और पीछा करूंगा मैं, अब 125 पे भी आप उसको चेस कर रहे हो, लेकिन वो हो गया गलत एंट्री पॉइंट। तो आपका पहला ट्रेड सही था, दूसरा ट्रेड सही था, तीसरा ट्रेड गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि स्कैल्पिंग क्या है, स्कैल्पिंग में भी आप गलत हो सकते हो, लेकिन आप ट्रेंड भूल गए, आप लग गए उसका पीछा करने में, चेजिंग। तो स्कैल्पिंग प्रोसेस नहीं है, ये चेजिंग प्रोसेस हो गया। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कैल्पिंग को ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट ना होने दें, और समझें कि अगर आज सेल द रैली वाला मार्केट है, कि कोई भी रैली छोटी मोटी आए, कोई भी बाउंस आए, तो उसको सेल करना है, तो बाउंस आने पे उसको सेल करना है। अब कितना बाउंस आएगा वो टेक्निकल एनालिसिस करके आप पता कर सकते हो, छोटा बाउंस है, बड़ा बाउंस है। ज़्यादा बियरिश मार्केट में छोटे लेवल पे आता है बाउंस, और बहुत अगर बियरिश मार्केट है तो बाउंस भी बड़े आते हैं। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ जज करके रखना है, मैनेज करके रखना है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं कितनी बार ट्रेड करूँ। तो मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग अगर आप करते हो, दिन के 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा मत करो, 5 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल। मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 10 ट्रेड करो, स्कैल्पिंग का मतलब ये है आपने फटाक से एंट्री ली, फटाक से एग्जिट किया, आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं 100 पे लूंगा, 104 तो मिलना ही मिलना है, तो आपने एंट्री किया, एग्जिट करके आप निकल गए, प्रॉफिट बुक हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप दोबारा उसको 104 पे फिर ले लिया, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पता वहाँ पे रिवर्सल है, क्या पता वहाँ पे बाउंस होने वाला है, आपने एंट्री चेक नहीं की है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा कि उस इंस्ट्रूमेंट या उस स्टॉक को आप स्कैल्प करो जिसको आप 1-2 दिन 3 दिन से एनालाइज कर रहे हो। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रिलायंस का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। रिलायंस लगातार ऊपर जा रहा है, डिप आता है, फिर बाउंस आता है। अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ा बाउंस आया, वो रिवर्सल था, उस दिन स्कैल्पिंग नहीं कर सकते थे आप डेफिनेटली, क्योंकि इवेंट था। तो एक और इंपॉर्टेंट रूल है स्कैल्पिंग का कि न्यूज़ और इवेंट्स जब हो तब आप अवॉइड करो स्कैल्पिंग। कोई भी इवेंट हो, ग्लोबल इवेंट है, लोकल इवेंट है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी उम्मीद होने वाली है कि कुछ हो सकता है, RBI का पॉलिसी है, या निर्मला सीतारमन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गवर्नमेंट कुछ बोलने वाली है, वहाँ पर आपको अवॉइड करना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब नहीं करना है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग बेसिकली बहुत सक्सेसफुल है जब एक 100 पॉइंट रेंज में निफ्टी हो, या 200-250 पॉइंट रेंज में बैंक निफ्टी हो, और अगर आपको उसका एक्सटेंड पता है कि आज इस रेंज में रहने वाला है, तो रेंज के एक्सट्रीम में रिवर्सल में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन जब वो एक ट्रेंड पकड़ ले, तो ट्रेंड में जब आप स्कैल्पिंग करोगे, तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड है तो एक लाइन में नहीं आएगा, डाउन ट्रेंड है तो एक लाइन में नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है स्कैल्पिंग के। ये बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं जो लोग फॉलो नहीं करते। सिर्फ स्कैल्पिंग शब्द पता होने से आप नहीं कर सकते स्कैल्पिंग सक्सेसफुली। पहली चीज़ है क्विक एग्जिट एंट्री, माइंड में होप कम रखो, एग्जीक्यूशन और एक्शन ज़्यादा रखो, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। होप मार्केट में नहीं होती, अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, एक्सेप्ट करो। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्कैल्पिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये
एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जो आप लोगों तक स्प्रेड करिए, जो भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं सब तक बताइए, उनको फैलाइए ये वीडियो, बताइए कि यार ऐसे स्कैल्पिंग होती है, माइंडसेट पे थोड़ा ध्यान दो, टेक्निक है डायरेक्शन वाली लेकिन उसमें ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट ना हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालता हूं तो उसका इंटीमेशन आपको ज़रूर मिले। आई होप जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूं आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।